पहले निलंबन, फिर वापसी और अब टिकट पैगंबर पर कांग्रेस करने वाली टी राजा सिंह पर बीजेपी ने क्यों बदला अपना ही फैसला। काफी लंबे इंतजार के बाद बीजेपी ने रविवार रात तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की अपनी पहली लिस्ट जारी की और इस लिस्ट में 52 उम्मीदवारों के नाम है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा एक नाम की हो रही है। वे नाम है टी राजा सिंह का। बीजेपी ने टी राजा सिंह को हैदराबाद की गोश महल सीट से मैदान में उतारा है। आपको बता दें, टी राजा सिंह को टिकट मिलना हर किसी को हैरान इसलिए कर रहा है क्योंकि लिस्ट जारी होने से कुछ घंटे पहले ही उनका पार्टी से निलंबन वापस लिया गया था। वहीं टी राजा सिंह फिलहाल तेलंगाना में बीजेपी के एक लौते विधायक हैं। दरअसल टी राजा सिंह ने अगस्त 2022 में मुस्लिम समुदाय की धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली कुछ टिप्पणियां की थी। वहीं टी राजा सिंह ने कथित तौर पर हैदराबाद में स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी के शो में जवाब में एक वीडियो जारी करते हुए पैगंबर पर टिप्पणी कर दी थी और वीडियो में उन्होंने फारूकी और उनकी मां पर भी गलत टिप्पणी की थी। इसके बाद पुलिस ने उन्हें अरेस्ट कर लिया था। वहीं 25 अगस्त को उन्हें जेल भेजा गया था। बाद में पार्टी ने उन्हें नोटिस जारी करके पार्टी से निलंबित कर दिया था। आपको बता दें, बीजेपी ने अपनी पहली सूची जारी करने से पहले टी राजा सिंह का निलंबन वापस लिया और इसके लिए पार्टी की केंद्र अनुशासन समिति के सदस्य सचिव ओम पाठक ने एक लेटर जारी किया जिसमें लिखा गया कि निलंबन के तहत पार्टी के केंद्रीय अनुशासन समिति ने आपको कारण बताओ नोटिस जारी किया था और ये पत्र कारण बताओ नोटिस पर आपके उत्तर को संदर्भित करता है। वहीं आपके उत्तर और उसमें दिए गए स्पष्टीकरण पर समिति की ओर से विचार किया गया है और आपके जवाब के आधार पर समिति ने आपका निलंबन तुरंत रद्द करने का फैसला किया है। वहीं आपको बता दें, निलंबन के बाद भी टी राजा सिंह को टिकट मिलने के पीछे कई फैक्टर हैं। वहीं टी राजा सिंह तेलंगाना में बीजेपी के एक लौते विधायक है और वे उस हैदराबाद से आते हैं जहां ओवैसी का दबदबा है। ऐसे में पार्टी उन्हें बिठाकर अपना नुकसान नहीं कराना चाहती है और टी राजा सिंह की छवि हिंदू नेता की है और वे लगातार अपने बयानों की वजह से चर्चा में रहते हैं। वहीं पार्टी में एक धड़ा उनके समर्थन में रहता है। निलंबन के बाद भी राजा सिंह ने पार्टी के प्रति अपनी निष्ठा नहीं छोड़ी। वहीं निलंबन के दौरान उन्होंने BRS में जाने और चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था और इसी वजह से पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है। वहीं 2013 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 5 सीटों पर जीत मिली थी, लेकिन 2018 में पार्टी के 5 विधायक में से सिर्फ टी राजा सिंह जीत बरकरार रखने में कामयाब हुए थे, जबकि किशन रेड्डी जैसे दिग्गज नेता को भी हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में पार्टी कम से कम इस सीट को गंवाना नहीं चाहती है। अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे N27 न्यूज। आप देख रहे हैं N27 न्यूज़, पकड़ हर खबर पर।